वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। दोस्तों, ये सीरीज़ जो हम चालू करने जा रहे हैं, ये बिल्कुल फाउंडेशन है। फाउंडेशन जो बच्चे अभी तक क्रॉप फिजियोलॉजी का बिल्कुल क्रॉप भी नहीं जानते थे और फिजियोलॉजी भी नहीं जानते थे, ये उनके लिए है। और बहुत अच्छे से हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। और जो बच्चों को कोई चीज़ में समस्या आती है, कमेंट बॉक्स में डालना, उसके लिए अलग वीडियो लेके आएंगे। कोई चीज़ आपको लगती है, कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको लगता है कि ये फिजियोलॉजी का नहीं समझ में आता है। और एक बात बेटा, ये हमारा कैसा है, एकदम से बिल्कुल फ्रेश आपके लिए, ठीक है ना। आप जो बच्चे बिल्कुल नए से तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल नए सिरे से, उनको नहीं पता है क्रॉप फिजियोलॉजी कहां से शुरू करते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले वेलकम करने के बाद बेटा आपको ये बताने वाले हैं कि हम लोग ये फाउंडेशन क्लास लेके आए हैं। फाउंडेशन में हम लोग सबसे छोटी छोटी और बेसिक चीजें जो बच्चों को बहुत परेशान करती हैं, उनको डिस्कस करने वाले हैं। और एक बात बेटा, आज हम लोग ये जो करने जा रहे हैं, ये हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। कोई बच्चा एमएससी की तैयारी कर रहा है या फिर बीएससी एग्रीकल्चर में है, इसके बाद में अगर वो नाबार्ड की, एएफओ की या फिर स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, उसके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। चलिए बेटा, और एक बात बता दें, आज का जो टॉपिक रहने वाला है, हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम आपको ये भी बता देते हैं। बच्चा, सबसे पहले हम लोग बेसिक्स प्लांट फिजियोलॉजी के, जो क्या बेसिक्स हैं, जैसे हम पढ़ना शुरू करते हैं तो थोड़ा सा बैकअप बनाते हैं, बैकअप बना के ही क्या चालू करते हैं। जब कोई खिलाड़ी पहले दौड़ना स्टार्ट करता है, तो दौड़ से पहले एक कदम को जो पीछे लेता है ना, वो बेसिक होता है। अपने सब्जेक्ट पे कदम रखने से पहले हम सब्जेक्ट के बारे में जान लेंगे, फिर बेसिक्स आने के बाद में फिर हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स क्या होता है, जो पौधे खाते हैं वो कैसे ट्रांसपोर्ट करता है लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस, और डिफ्यूजन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं, और आप लोग जुड़ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना वीडियो को नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। चलिए बेटा, ये प्लांट फिजियोलॉजी एक्चुअल में क्या है। जैसा ही एक टर्म आता है प्लांट फिजियोलॉजी, तो तुमको लगता होगा कि फिजियोलॉजी में हमको क्या पढ़ना है। देखिए, तीन टर्म आपको बहुत परेशान करेंगे, जिनको आज हम पहले ही क्लियर कर लेते हैं। कौन कौन से टर्म सर? एक होता है फिजियोलॉजी, एक होता है एनाटॉमी, और एक होता है मॉर्फोलॉजी। क्योंकि सर अभी समझ नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं। जैसे ही आप क्लास को स्टार्ट करते हैं, आपको पढ़ना क्या है, प्लांट की फिजियोलॉजी पढ़ना है। फिजियोलॉजी का मतलब होता है पादप कार्यकी, कार्यकी का मतलब वो कार्य कैसे करता है, ठीक है ना बेटा। कार्यकी पढ़ने जा रहे हैं इसमें। वैसे हम तीन चीजों को पढ़ते हैं मेनली प्लांट में। एक होती है प्लांट की मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी। जैसे ही वर्ड आता है मॉर्फोलॉजी, इसका मतलब होता है उसकी आकारिकी। जैसे ही प्लांट को आपने देखा, प्लांट को देखने के बाद में मॉर्फोलॉजी में उसकी लीफ की, उसके स्टेम की, उसकी रूट की, उसमें फ्लावर की, उसमें फल की, इन सब की जब स्टडी करते हैं तो इसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, बाह्य आकारिकी। जैसे कोई प्लांट को आपने बाहर से देखा, आप बता दोगे इसमें लीफ है, स्टेम है, रूट है, तो इसको बोलते हैं हम लोग मॉर्फोलॉजी। क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी बेटा बोलते हैं। वहीं जब हम लोग इसके अंदर की बात करने लगे तो उसको बोलते हैं एनाटॉमी। जैसे टिश्यूज कैसे हैं, हमारा ब्लड कैसा है, हमारे अंदर हड्डियां कैसी हैं, उनका अरेंजमेंट कैसा है, ऑर्गन कौन कौन से हैं, इनको बोलते हैं हम लोग एनाटॉमी, ठीक है ना। दूसरा टर्म एनाटॉमी, ठीक है बेटा। और वहीं जब हम लोग इन दोनों को पढ़ लेंगे, मतलब कि बता देंगे इनके बारे में, तब हम लोग आते हैं तीसरे टर्म पे, जिसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी में वो काम कैसे करते हैं, जैसे कि अब हमारे ऑर्गन है, ऑर्गन काम कैसे करते हैं, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, डाइजेशन करते हैं हम लोग, वैसे प्लांट भी तो सांस लेते हैं, डाइजेशन भी करते हैं। डाइजेशन का मतलब वो खुद खाना कैसे बनाते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं, कैसे उनकी ग्रोथ होती है, सारी की सारी एक्टिविटीज हम लोग फिजियोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। जैसे हम अपनी बात करते हैं, आपने हमको देखा और हमको देख के बोले कि सर आपकी फिजियोलॉजी पढ़ने से पहले हम आपकी मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, तो बिल्कुल मॉर्फोलॉजी में हमारे हाथ हैं, पैर हैं, आंखें हैं, मुंह है, बाल है, ये सब चीजें जो दिख रही हैं, ये क्या हो गए, मॉर्फोलॉजी, जो बाहर से देख के आपने पहचान लिया। वही जब हम लोग एनाटॉमी की बात करेंगे तो आप हमारी हड्डियों में, हमारे टिश्यूज में, हमारी कोशिकाओं में जाना शुरू कर देंगे। और जब हम लोग बात करेंगे एनाटॉमी के बाद फिजियोलॉजी की, तब आप कहेंगे कैसे आप सांस लेते हो, आज हमें ये भी जानना है, कैसे आप ग्रोथ कर रहे हो, हमें ये भी जानना है, कैसे आपके अंदर डाइजेशन हो रहा है, कैसे एक्सक्रीशन हो रहा है, कैसे ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, फिजियोलॉजी, ठीक है। अच्छा, अब बेटा जब इतनी चीज जान ही लिए हैं, तो अब हम लोग एक बात करते हैं कि आखिर फिजियोलॉजी है क्या। किसी की भी फिजियोलॉजी हो, चाहे वो ह्यूमन की हो या फिर प्लांट की हो, फिजियोलॉजी वर्ड आते ही एक बात दिमाग में क्या आ जाएगी, यार हमको जानना है इसके अंदर कैसे कैसे काम होते हैं,
मतलब बेटा हमको जानना है उसके अंदर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जब कभी तुमसे पूछा जाए कि क्या होता है फिजियोलॉजी, तो फिजियोलॉजी इज द, दिस इज द सम ऑफ, द सम ऑफ ऑल द मेटाबॉलिक, ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। सो ये क्या होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटी? बेटा जो आप सांस ले रहे हो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, आप ग्रोथ दे रहे हो, बढ़ रहे हो, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। जो आप श्वसन के साथ साथ में डाइजेशन कर रहे हो, एक्सक्रीशन कर रहे हो, ये सारी चीजें जो आप क्रियाएं दिखा रहे हो एक जीवित आदमी जीवित होने का, जो आप प्रमाण दे रहे हो, यही तो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी। हिंदी में बोलते हैं उपापचयी क्रियाएं। क्या बोलते हैं? उपापचयी क्रियाएं। ये सभी के अंदर हो रही होती है। तो सर प्लांट भी ऐसा करते हैं? बिल्कुल, प्लांट के अंदर भी ग्रोथ हो रही है, श्वसन कर रहे हैं, डाइजेशन का मतलब फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, चीजों को इधर उधर लेके जा रहे हैं, है ना। ये सारे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। उनको लाइट ज्यादा दे दिए, रिस्पॉन्स बदल जाएगा। हवा आपने ज्यादा दे दी, वो रिस्पॉन्स बदल देंगे। अगर वो भी सारी चीजें कर रहे हैं यानी वो भी जीवित हैं, अगर वो जीवित हैं तो सारी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज उनके अंदर भी चल रही है। फिजियोलॉजी इज द सम ऑफ ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। जब हम लोग ये बात समझ में आ गई तो मेटाबॉलिज्म है क्या, आखिर ये मेटाबॉलिज्म है क्या? बेटा ये सारी चीजें जो आपको लिखी दिख रही हैं सब मेटाबॉलिज्म है। चाहे एनर्जी ले लो, चाहे आप रिप्रोडक्शन ले लो, चाहे बर्निंग ले लो, चाहे आप बेटा कैलोरीज ले लो, एक्सरसाइज ले लो, चाहे आप एजिंग ले लो, चाहे आप किसी भी चीज को, इतनी सारी चीजें दिख रही, सब है क्या ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, यानी जो जिंदा रखने के लिए जरूरी है। कौन से? जिंदा रहने के लिए? वो नहीं बेटा, वो नहीं, मुलाकात नहीं इसमें जरूरी होती है, इसमें जरूरी होती है बाकी की क्रियाएं। ठीक है, चलिए अब जल्दी से हम लोग आगे आते हैं। जब हम लोग मेटाबॉलिक पढ़ते हैं तो मेटाबॉलिक दो चीजों से मिलके बना होता है। जैसे कि आज भी हम लोग, जैसे कि कोई भी हो, या तो वो बना होगा कुछ ना कुछ जुड़ के, या फिर बना होगा कुछ ना कुछ टूट के। सर टूट के कैसे बनेगा? अगर कोई चीज बहुत जटिल है, जटिल है मतलब कॉम्प्लेक्स है, तो वो टूट जाएगी, टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में आ जाएगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? और कोई चीज छोटी 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 है और इसके बाद वो जुड़ के बड़ी हो जाती है और उसमें एनर्जी लग जाए तो उसको क्या बोलेंगे? चलो बेटा हम एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट समझाते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती हैं वो दो चीजों से मिलके बनी होती हैं। ऐसे लिखा हमने मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना, मेटाबॉलिक। आज जैसे ही बेटा मेटाबॉलिक लिखोगे इसमें दो बातें आएंगी, एक आएगा कैटाबॉलिक और एक आएगा एनाबॉलिक। बेटा जैसे ही कैटा सुना ना आपको समझ में आ रहा होगा, कोई चीज कट रही होगी, क्या रही होगी? कट रही होगी मतलब कोई चीज बड़ी थी, कॉम्प्लेक्स थी, ये कॉम्प्लेक्स एक जुड़ा हुआ रखा है, कॉम्प्लेक्स बेटा मतलब थोड़ा जटिल है, और ये टूट गया, टूटने के बाद में ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। जब ये टूट गया यानी कि बड़ा था छोटा छोटे में टूट गया तो ये एनर्जी भी निकालेगा, और कैटाबॉलिक का मतलब होता है टूटना। वहीं बेटा जब एनाबॉलिक की बात करते हो तो ये छोटी छोटी चीजें रखी हुई थी, ये छोटे छोटे अणु रखे हुए थे, ये अणु परमाणु या आयन जो भी रखे हुए थे, इनको थोड़ी सी एनर्जी दी और इनको जोड़ दिया, और जोड़ के एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बना दिया, जटिल जो हमने अणु बना दिया, तो उसको हमने क्या बोला? उसको बोला एनाबॉलिक। क्या बोला? एनाबॉलिक। तो जब कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों जुड़ जाती हैं क्रियाएं तो वो क्या हो जाती है? वो हो जाती है मेटाबॉलिक। सर ऐसा कैसे हो सकता है? आप फोटोसिंथेसिस को जानते हो? सर फोटोसिंथेसिस में कुछ ऐसा सुने हैं कि खाना बनता है, तो खाना किससे बनता है? अरे वही यार, CO2 लेता है एटमॉस्फेयर से, और जड़ से लेता है पानी, यानी कि CO2 और वाटर, CO2 यानी हवा और पानी को जोड़ के बना देते हैं कार्बोहाइड्रेट। और सर इसमें तो आप बता रहे थे एनर्जी देते हैं। हाँ बेटा, सनलाइट नहीं देते हो? सनलाइट की प्रेजेंस में ही तो खाना बनता है। खाना कब बनाते हैं पौधे? दिन में बनाते हैं। अगर दिन में बनाते हैं तो दिन में खाना बनता है, यानी फोटोसिंथेसिस कैसे होती है? हमारी कौन सी प्रोसेस हो गई? एनाबॉलिक प्रोसेस हो गई। एनाबॉलिक का मतलब आप CO2 ले लिए, H2O ले लिए, बहुत सारे अणु मिलके एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल जिसको हम लोग खाना बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं, वो बना के प्लांट ने तैयार कर दिया और एनर्जी दे दी, तो उसको बोला हमने एनाबॉलिक। वही जब हम लोग कैटाबॉलिक की बात किए तो कैटाबॉलिक का मतलब क्या था? टूटना। और रेस्पिरेशन यानी
श्वसन होता है ना, चाहे हम लोगों में हो, हम लोग करते क्या? श्वसन का मतलब होता है बर्निंग ऑफ मटेरियल। बर्निंग कैसे करते हैं बेटा? हमने जो खाया उसके बाद हर कोशिका तक पहुंच गया, पहुंचने के बाद जब वो टूटेगा, जब वो टूटेगा, टूटेगा मतलब टूटेगा तो एनर्जी देगा और बॉडी के लिए यूजफुल होगी, वही एनर्जी तो हम लोग यूज करते हो। सर हमने तो खाया नहीं और हमको एनर्जी कैसे मिल गई? आज तो हमने खाना नहीं खाया फिर भी हम बढ़िया से बोल रहे हैं। कैसे बोल रहे हो? रेस्पिरेशन हो रहा है, आप ऑक्सीजन लेके जा रहे हो, ऑक्सीजन जाके हमारी कोशिकाओं तक पहुंचने के बाद ब्लड के माध्यम से तोड़ने का काम कर रही है। किसको? जो स्टोर मटेरियल है, जो हम लोग स्टोर कर लियो उसको तोड़ती जाएगी, तोड़ के क्या मिलेगा? तोड़ के एनर्जी मिल जाएगी और हम लोग अपनी एक्टिविटीज को कंटिन्यूसिटी करते रहते हैं। हमको कहीं लग रहा है कि आज हमने खाना नहीं खाया, हमने नाश्ता किया कि नहीं किया? बस यही चीज समझनी थी, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक मतलब टूट टूट जाना और एनाबॉलिक मतलब क्या हो जाना? कोई चीज जुड़ जाना और इससे क्या करना? एनर्जी उत्पन्न कर लेना। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बोलते हैं। चलिए जब इतनी बात कर ही ली है, अब हम लोग इतनी चीज समझ ही गए हैं, तो एक तरीके से और समझ लेते हैं, ये बच्चा परेशान, आखिर ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है? तो बेटा मेटाबॉलिक का मतलब जैसे ही आप कॉम्प्लेक्स मटेरियल को क्या करोगे, जैसे ही आप तोड़ दोगे, तोड़ने के बाद छोटे छोटे अणु में टूटेगा तो एनर्जी निकलेगी, तो हमारी हो गई कैटाबॉलिज्म। वहीं जब छोटे छोटे अणु मिल जाएंगे, एनर्जी दे देंगे और दे के जब जुड़ जाएंगे तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग? एनाबॉलिज्म। जस्ट नॉर्मल है ना, समझ में आ गया? समझ में आ गया है। तो अब हम लोग बात कराने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस की, जिसमें पानी को और हवा को जोड़ के हम लोग बना दिए थे ग्लूकोज और ऑक्सीजन को फोटोसिंथेसिस। तो जल्दी से बताओ बेटा ये हमारी प्रोसेस कौन सी है? बिल्कुल सही होगा, एनाबॉलिक प्रोसेस है। कैसी बेटा? एनाबॉलिक प्रोसेस है। वहीं हम लोग जो पढ़ते हैं क्या? रेस्पिरेशन बेटा पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स मटेरियल को तोड़ देते हैं छोटे छोटे अणुओं में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम लोग बोलते हैं क्या? कैटाबॉलिक। तो कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फादर, क्योंकि फादर बहुत जरूरी है। बिना फादर के कोई घर बनता है क्या? नहीं ना। तो फादर बहुत जरूरी है, हर एक सब्जेक्ट के फादर होते हैं, तो फिजियोलॉजी के भी फादर हैं। फिजियोलॉजी के फादर हैं स्टीफन हेल्स जी। स्टीफन हेल्स जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, इसलिए ये हमारे फादर कहलाए प्लांट फिजियोलॉजी के। लेकिन अगर भारत की बात करो तो भारत में कौन है? भारत में हमारे हैं जेसी बोस जी। ये जेसी बोस जी ने भारत में प्लांट फिजियोलॉजी का क्या किया? आगाज कर दिया। और इन्होंने ऑक्सीजनोमीटर की खोज की। कहोगे सर ये ऑक्सीजनोमीटर क्या होता है? बेटा प्लांट की ग्रोथ नापने का एक क्या है, पैरामीटर था, एक इंस्ट्रूमेंट था, इसकी खोज की थी इन्होंने। खैर छोड़ो, उसके बारे में तो जब हम लोग पढ़ेंगे ना वो तो बहुत अच्छे से समझा देंगे। लेकिन जेसी बोस भारत में और स्टीफन हेल्स विश्व में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पौधों में परिवहन। आखिर ये परिवहन कैसे होता है? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ट्रांसपोर्ट का मतलब बेटा, ट्रांसपोर्ट हमारे घर पे भी है, मतलब क्या करते हैं? अरे इधर से उधर ले जाते का काम करते हैं। हमारे गेहूं गल्ला जो घर में होता है, हम तो किसान के बेटे हैं, और किसान के घर में जब ले जाने का काम करते हैं तो ट्रांसपोर्ट वाले को फोन करते हैं कि भाई मेरा गेहूं मंडी तक पहुंचा दो। मतलब कि ऐसा काम तो प्लांट भी करते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट को भी तो क्या करना है, दूसरी जगह चीजों को पहुंचाना है। बना तो ले रहा है पत्ती में खाना, पहुंचना कहां है? जड़ तक पहुंचना है। अगर भाई बात कर रहे हो पानी की, पानी तो जड़ ले रही थी, और पानी की जरूरत ट्रांसपिरेशन कहां हो रहा है? वो तो पत्ती में हो रहा है। अगर खाना और पानी जहां जरूरत है उसके अलावा दूसरी जगह जाना है, तब तो ट्रांसपोर्ट को पढ़ना पड़ेगा। अच्छा अगर हम लोग अपनी बात करो तो सर हमको भी अपना खाना कहीं ना कहीं पहुंचाना पड़ता होगा। बिल्कुल बेटा, हमारे पास तो एक सिस्टम है। कौन सा सिस्टम? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। भाई हमने खाया पेट में, खाने के बाद डाइजेस्ट हो गया, टूट गया छोटे छोटे टुकड़ों में, ब्लड स्ट्रीम में मिल गया, खून में मिलके जगह जगह जहां जिस कोशिका को पहुंचना था पहुंच गया, काम चलने लगा। लेकिन प्लांट में तो गुरु ब्लड सर्कुलेटरी है नहीं, अब क्या करेंगे? ये इनको भी चाहिए भाई, भी चाहिए, क्या करेंगे? अब इनको भी खाना खा लिया, खाना तो खाए नहीं, ये खाना तो बनाए थे, बनाने का बता तो पत्ती में, और जरूरत तो बेटा जिंदा रहने के लिए। फिर वही बात, क्या जरूरत है? सनम नहीं यार, क्या खाना की जरूरत है? और वो खाना कहां से मिलेगा? वो खाना मिलने वाला है जड़ को परिवहन के माध्यम से, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। अब हम लोग ट्रांसपोर्ट को समझने जा रहे हैं, आखिर ये खाना इधर से उधर कैसे होता है। चलिए जल्दी से हम लोग जान लेंगे।
ये देखो आदमी लगा रहा है पानी, इसको लग रहा है पानी पत्ती में दे रहा है, एक्चुअल में पत्ती में दे रहा है ये, पत्ती से पानी अंदर जाता ही नहीं भाई, पत्ती से नहीं जाता, जड़ से जाता है, इसको ये बात पता ही नहीं, लेकिन ये पत्ती साफ कर रहा है, ठीक है ना। अब इस काम कर ली, अब हम आपसे पूछे जल्दी से बताओ कौन कौन सी चीजें हैं जो पत्ती में मूव करेंगी। सर प्लांट में मूवमेंट के लिए मुश्किल से खाना या पानी होता होगा। अरे ना ना बेटा, चार चीजें होती हैं, याद कर लेना। एक तो होता है खाना यानी कि फूड, दूसरा होता है क्या, दूसरा होता है पानी, और तीसरा होता है बेटा मिनरल्स। मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे, जड़ से मिलेंगे, वो भी तो जाएंगे, जड़ से काम कौन करता है, मिनरल करते हैं। वहीं हम लोग अगर बात करते हो किसकी, हार्मोन्स की, तो हार्मोन्स भी कहाँ से मूव करते हैं, ये भी हमारे मूव करते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, ये भी हमारे जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से इधर उधर हो रहे होते हैं। तो चार चीजें, खाना पानी मिनरल और हार्मोन, याद कर लिए, खाना पानी मिनरल और हार्मोन क्या करेंगे, इनका ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होंगे। तो कौन कौन से हो गए बेटा, ये चार चीजें हो गई दी इन दिस फ्लावरिंग प्लांट। अगर हम लोग फ्लावरिंग प्लांट की बात करो तो ये चार चीजें बेटा, पानी हो गया, मिनरल हो गया, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट यानी हमारा खाना हो गया, और साथ में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं जो क्या करेंगे, मूव करने का काम कर लेंगे। देखा, सारा कुछ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रहे हैं बेटा, क्यों, क्योंकि अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आती तो इंग्लिश पढ़ लेना, और इंग्लिश समझ नहीं आती तो हिंदी पढ़ लेना, और हम बोल कैसा रहे, मंडारिन तो बोल नहीं रहे, कौन सी है, इंग्लिश है बेटा, ये दोनों चीजें हैं, हिंदी और इंग्लिश मिक्स, ठीक है ना, इससे आप चीजों को आराम से समझ सकते हो। चलो आगे आ जाओ, इंट्रोडक्शन कराते हैं। तो कहोगे सर पत्ती में खाना कैसे मूव करेगा, बेटा ट्रांसपोर्टेशन दो तरीके का होता है। अगर आप लोग लोकल ले जाना हो, मंडी से गेहूं ले जाना है, घर घर से मंडी, तो कितना करोगे भैया, एक ट्रैक्टर कर लोगे, ट्रैक्टर से इधर उधर कर लोगे। अगर तुम्हें मान लो कहो हम विदेश बेचेंगे, ट्रैक्टर भेज दोगे ना, नहीं भेजोगे भैया, ट्रैक्टर नहीं भेजोगे, तब तो जहाज खरीदना पड़ेगा, कौन सा पानी वाला जहाज नहीं खरीदोगे तुम, किराए पे लोगे, मैं मालूम है है ना। अच्छा तो देखो, दो तरीके का ट्रांसपोर्ट हो गया बेटा, जब ट्रैवल करने की बात आएगी तो दो तरीके का ट्रांसपोर्ट, या तो लॉन्ग या तो शॉर्ट, या तो लॉन्ग या तो शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब छोटी दूरी का, और लॉन्ग का मतलब बड़ी दूरी का। तो छोटी दूरी का ट्रांसपोर्ट का मतलब, अरे यार पत्ती ने बनाया खाना, बगल वाली पत्ती को चाहिए था, कह रहा यार हमारे पास ये है ही नहीं यार, हम खाना तो बना ले, हमारे पास चीनी है ही नहीं, कह रहे चीनी नहीं है तो ले लो हमसे, ले लो, दे दिए। कह लगे सुनो हम खाना बनाने जा रहे हैं, हमारे पास यार वो यार पोटेशियम नहीं यार है, थोड़ा पोटेशियम डालना है, ले लो हमसे, ले लो, बगल वाले से ले लिया। ऐसे ही कोई पत्ती ने कहा सुनो वो तो ठीक है तुमसे ले लिया, अब हमारी पत्ती थी, हमारे घर में अगर मान लो चीनी कम पड़ गया तो क्या करेंगे भैया, डब्बस भी तो निकालना पड़ेगा, अरे मम्मी से मांगना पड़ेगा, अरे सुनो मम्मी तुम्हारे पास वो रखा है क्या, सर चाय बनाने जा रहे थे, चाय पत्ती मैं खत्म हो गई, तो मम्मी से क्या कह रहे मांग गई है, अरे यार चाचिस मांग लेना, ठीक है ना, बगल वाले से क्यों मांगना, अपने घर में ऐसा हो सकता है, यानी कोशिका के अंदर भी तो ये हो सकता है, कोशिका में दूसरी जगह रखा है कोई मटेरियल, और जरूरी है पत्ती को, ले लिया, तो विद इन द कोशिका यानी विद इन द सेल, और बिटवीन द सेल यानी कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका, ये सब काम कब करोगे बेटा, ये हम लोग शॉर्ट डिस्टेंस में ही कर लेते हो, है ना। लेकिन जब लॉन्ग डिस्टेंस की बात आती है, तो लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब पानी लिया किसने, जड़ने, चाहिए कहाँ, पत्ती के एकदम टॉप पे, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है। अब हम लोग शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस को अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा जब देखोगे तुम शॉर्ट डिस्टेंस, तो पत्ती में दो तरीके का बेटा, एक होता है शॉर्ट डिस्टेंस कम दूरी का, जैसे ये कोशिका थी, यहाँ से CO2 आया, यहाँ से निकल गया, है ना, CO2 O2 निकल गई, पानी निकल गया, ये तो शॉर्ट डिस्टेंस का हो गया। वहीं जब हम लोग बेटा बात करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस की, जैसे यहाँ से रूट से पानी का ऊपर तक जाना, ये लॉन्ग डिस्टेंस लंबी दूरी का काम है, लंबी दूरी के लिए अलग ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, दोनों बातों को हम समझने वाले हैं। जब हम लोग शॉर्ट डिस्टेंस पढ़ेंगे, उसी में हम लोग पढ़ेंगे डिफ्यूजन को और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को। सर ये डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, इस पे तो बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन हम पहले चीजों को समझ तो लें, बेस तो बना लें, हमको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है ना। चलो जब हम लोग बात करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस की, तो शॉर्ट डिस्टेंस में भी दो बातें, एक एक्टिव एक पैसिव। कहोगे सर ये एक्टिव पैसिव वाइज होते हैं, इंग्लिश में पढ़े या नहीं पढ़ेंगे, बेटा ये पढ़ने की चीज नहीं है, सिर्फ बताने की बात है कि एक्टिव का मतलब जब आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तब ऊर्जा लग रही है, ठीक है, और जब आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो ऊर्जा नहीं लग रही है, मतलब अरे यार बेटा आप खान आप लेके जा रहे हो ट्रैक्टर से लेकिन पेट्रोल नहीं लग रहा है, तो पैसिव, पेट्रोल लग डीजल डीजल हाँ डीजल अरे यार गलती हो गई, ठीक है ना, तो डीजल लग रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिव, और डीजल नहीं लग रहा है तो हमारा पैसिव, मतलब फिर किससे चलेगा, अरे सौर ऊर्जा चल जाएगा, क्या दिक्कत है, उनको दिमाग नहीं लगाना बेटा, समझने के लिए बता रहे हैं, ठीक है, ऊर्जा लग जाए तो एक्टिव, नहीं लग रही पैसिव, लग रही एक्टिव, नहीं लग रही पैसिव। तो शॉर्ट डिस्टेंस दो तरीके की, एक्टिव और पैसिव,
मतलब कि जिसमें ऊर्जा लगेगी और नहीं लगेगी, ठीक है। अच्छा, वहीं हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस की बात करो तो लॉन्ग डिस्टेंस सदैव पैसिव। कहोगे सर ये कैसे हो गया, ऐसे हो जाता है। लॉन्ग डिस्टेंस है, अब ऊर्जा लगानी है, मान लो कोई चीज जड़ में बनी, पत्ती तक पहुंचानी है। तुम कह रहे हो यार ऊर्जा लगा के भेजेंगे, ऊर्जा लगा के भेजोगे तो पौधा अपना स्टोर क्या करेगा फिर भाई, करेगा क्या, फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ऊर्जा नहीं लगनी चाहिए इसमें, क्योंकि बहुत लंबी दूरी है, जड़ में बनाया और पत्ती के टॉप, कभी कभी 50 फीट के पेड़ है। अब 50 फीट के पेड़ में नीचे बनाने के बाद ऊपर भेज रहे हो, ऊपर भेजने के बाद बेटा इतना ज्यादा एनर्जी लग जाएगी तो पत्ती अपने आप को सर्वाइव कैसे कराएगी, ऊर्जा कहां से लाएगी, इतनी तो ऊर्जा बनाती भी नहीं। तो बस सीधी बात समझ लो, शॉर्ट डिस्टेंस एक्टिव पैसिव दोनों, लॉन्ग डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कौन सा बेटा, पैसिव ही होगा, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, शॉर्ट डिस्टेंस की बात की, जैसे आपने ये देखा शॉर्ट डिस्टेंस, देखो इसमें क्या था बेटा, एक्टिव और पैसिव। अगर यहां से तुमने कोई चीज भेजी, इधर से ये देखो निकल के इधर आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, कहने लगे हमारे पास पाइप है निकाल देंगे, एक्टिव कैसा हो गया, पैसिव। जब एक्टिव की बात करो, निकाल लो बेटा एनर्जी, क्या लग रही है, ऊर्जा लग रही है एटीपी के फॉर्म में। अच्छा एटीपी क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बेटा ऊर्जा का ही रूप है एटीपी, ठीक है ना, ऊर्जा बोलते हैं एटीपी को, ठीक। अब ये क्या करी, देखो ये लग रही बेटा, जब ये लग रही है यानी क्या हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, अब जैसे तुम्हें बेटा ये दिख रहा पेड़, पेड़ यहाँ खाना पानी चाहिए और चाहिए कहाँ ऊपर, बेटा इतनी दूरी का पानी चाहिए, तुम कैसा लगाओगे, हमेशा और हमेशा और हमेशा याद कर लेना, कैसा होगा, कैसा होगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इज ऑलवेज पैसिव, है ना। चलो आगे आ जाओ, आगे बेटा जब हम लोग बात करते हैं पैसिव की, तो पैसिव में तो आता है हमारा दो बातें, एक तो डिफ्यूजन, एक फैसिलेटेड डिफ्यूजन। कहोगे सर डिफ्यूजन को नहीं पढ़े बेटा, डिफ्यूजन को बहुत सरल है पढ़ना। डिफ्यूजन का मतलब होता है कोई, आपने क्या करी, कहीं से आप निकल रहे थे यार बदबू लगी, अरे यार यहाँ पे कुछ सड़ा पड़ा है, बेटा सड़ा नहीं पड़ा, डिफ्यूजन के माध्यम से आपको आया है क्या, वहां की महक, कोई कमरे में परफ्यूम डाल दे, परफ्यूम डाली तुम्हें तुरंत महक लगने लगी, क्यों, डिफ्यूजन हो गया, किसका, गैस का, समझे ना। वहीं अगर हम लोग बात कर लो, अच्छा चलो कोई बात नहीं, सिलेंडर लीक करे घर में, लीक कर गया और आपको महक लग गई, चले लगे सिलेंडर लीक कर गया भाई, महक लग रही हमको, बेटा कैसे पता चला, क्योंकि वो डिफ्यूजन हो रहा था गैस का। अब समझ में आया, नहीं आया, आ गया होगा अब तक। तो ये होता है डिफ्यूजन, मतलब कि क्या होना, विसरित होना, क्या होना, विसार होना, मतलब कि कहीं ना कहीं फैलना। जैसे आपने देखा होगा ये स्प्रे डाल ली, स्प्रे जैसे ही बेटा डालेगी तुरंत पूरे कमरे में बदबू आ जाएगी, है ना, बदबू नहीं खुशबू आएगी, लेकिन हाँ क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। जब फैल जाएगी तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, विसरण यानी कि डिफ्यूजन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, विसरण यानी डिफ्यूजन बोलेंगे। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं फैसिलेटेड डिफ्यूजन की, बेटा फंसा के डिफ्यूजन करा दिया है, फंसा के मतलब क्या होता, कुछ नहीं, एक प्रोटीन है मेम्ब्रेन से मेम्ब्रेन, मतलब एक कोशिका थी दूसरी कोशिका में कोई चीज जानी थी तो हमने फांस के करा दिया। अब ये फांस के कैसे कराना है तुम्हें समझाते हैं, ठीक है। जैसे नेताजी हैं, नेताजी के चैम्बर में जाना है, चाचा की पहचान है नेताजी से, हमारी पहचान नहीं है। अब चाचा तो अंदर जाएंगे, चाचा विधायक हैं, क्योंकि अब चाचा विधायक हैं तो चाचा के साथ में भतीजा जुड़ गया, ए चाचा वो जा रहे हो अंदर, चल रहे होगा अंदर तरफ कमरे में, हम भी चलेंगे जरा मंत्री जी से मिलने, नहीं नहीं तुम नहीं जाओगे, नहीं वो जाने नहीं देंगे भाई, क्यों जाने देगा, लेकिन चाचा के साथ अटक लिए, ठीक है चाचा के साथ निकल गए, बस अब अंदर भी पहुंच गए, कौन है भाई, भतीजा है भाई, है ना। तो इस तरीके से जाना, अंदर तो तुम्हें जाने नहीं कोई दे रहा, लेकिन तुमने कहा कि चाचा का सहारा ले लिया, चाचा क्या थे, प्रोटीन थे, और वो प्रोटीन के माध्यम से तुम एक कोशिका से दूसरी कोशिका में आ गए, बस यही हो गया फैसिलेटेड डिफ्यूजन। नहीं समझ आया, अभी बढ़िया समझाएंगे, तुम समझ जाओगे। तो हमारा ये हो गया डिफ्यूजन और ये हो गया फैसिलेटेड डिफ्यूजन। जब हम लोग लॉन्ग ट्रांसपोर्ट की बात करते हो तो लॉन्ग ट्रांसपोर्ट में बेटा क्या होता है, ये हमारा लॉन्ग ट्रांसपोर्ट है, इसमें जो इन्वॉल्व होता है उसमें होता है जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। डिफ्यूजन और फैसिलेटेड डिफ्यूजन तो बहुत अच्छे से समझा देंगे, लेकिन अब लॉन्ग डिस्टेंस में बात करो तो बेटा होता है क्या, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का मतलब बेटा, जाइलम होता है जल जमीन, जाइलम जल जमीन, जाइलम जल को जमीन से ले जाने वाला क्या हो गया, जाइलम हो गया। वहीं फूड को ले जाने वाला फ्लोएम हो गया, जल को जमीन से जाइलम और फूड के लिए फ्लोएम। चलिए जल को जमीन से लेके चलते हैं, जल कैसे, नीचे से हमेशा ऊपर जाएगा, लेकिन फूड
फूड नीचे भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा, ऐसा कैसे हो गया? चलो हम समझाते हैं अच्छे से। ये हो गया पानी। पानी हमेशा क्या करता है, ये पानी है हमारा, ये हमारा क्या है, पानी है, जाइलम के माध्यम से हमेशा ऊपर जाएगा, वन वे होता है इसके लिए, ठीक है। वहीं हम लोग फूड की बात करो तो फूड कहां बनता है, पत्ती में, क्योंकि पानी हमेशा जड़ लेगी और हमेशा ऊपर जाने का ही काम करेगा, पत्ती कभी लेगी नहीं। वहीं हम लोग बात करते हैं जो पत्ती में खाना बनने की, तो खाना बेटा यहां बना, हो सकता है यहां खाना बना और यहां वाली ब्रांचेस क्या हुई, ये हमारी खराब हो गई, यहां पे कोई ब्रांच ही नहीं रह गई, ये मान लो खराब है, तो यहां से खाना क्या हुआ, कभी इधर भी तो जा सकता है, और खाना जड़ को भी चाहिए तो नीचे भी जाएगा। तो खाने का हमेशा जो रास्ता होता है वो दोनों तरफ होता है, देख रहे हो ना बेटा, ये दोनों तरफ दिख रहा है ना तुम्हें, ये ऊपर भी नीचे भी, ये तीर ऐसा भी और ऐसा भी, लेकिन जो पानी हमेशा कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे जाइलम यूनिडायरेक्शनल, फ्लोयम मल्टीडायरेक्शनल, ठीक है ना। कह रहे सर अभी नहीं समझ में, अरे तुम कभी रोड रोड पे नहीं निकले हो, निकले तो है सर, जब रोड पे निकले होगे तो तुम्हें ऐसे करके गाड़ी जाती हुई दिखी, ऐसे करके गाड़ी जाती हुई दिखी। कह रहे हाँ सर देखी तो है, देखी तो बेटा ये सब एक तरफ जा रही है, अब एक तरफ जा रही है इसका मतलब क्या है, ये वन वे है, ये कैसा है, वन वे है, यहाँ फांस मत देना। अगर अपने गांव की बात करो, हमारे गांव में कैसी रोड होती है, वन वे की टू वे, बेटा वो वन वे नहीं होता, उसी से आते हैं और उसी से जाते हैं, चाहे अगर पता है ना फंस जाता है ट्रैक्टर तो मतलब फिर बाइक लेके भी नहीं निकल पाते, कहते यार गांव घर कैसे पहुंचे, वहीं खड़े रह जाओगे, जाम लग जाएगा इधर उधर दोनों तरफ से, देखे हो ना। अरे कह रहे बहुत देखा, लेकिन अगर टू वे की बात करो तो देखो तुम्हें टू वे, इधर वाली जाने वाली, इधर वाली आने वाली, खुद ही रोड पे लिखा हो तो टू वे है हमारा, ठीक है ना। ये वन वे, एक ही साइड जाओगे, इधर इधर गाड़ी ले आना, चालान कटेगा भैया, ठीक है ना, पुलिस खड़ी रहती है। और ये टू वे, इधर से जाओ इधर से आओ, इसमें कुछ इस तरीके के निशान तुमने बने हुए देखे होंगे कि टू वे है, देखा होगा तुमने, इस तरीके का बना होता है रोड किनारे, है ना। ये कैसा, इसमें ऐसे करके भी बना होता है, इधर से जाने वाला इधर से आने वाला, ऐसी भी रोड पे देखी होंगी। ये हमारा टू वे हो गया। टू वे का मतलब ऊपर नीचे दोनों, मतलब ऊपर जाओ चाहे नीचे आओ, कौन करेगा, फ्लोएम। और जाइलम की बात कर लो बेटा, जाइलम हमेशा यूनिडायरेक्शनल है ना, यानी कि एक तरफ जाएगा, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, डायरेक्शन जो भी तुम्हें हमने बताई वही लिखी यहां पे, कैसे जाता है यूनिडायरेक्शनल और कैसे जाता है मल्टीडायरेक्शनल, दोनों बातें समझ में आ गई। यानी कि इसमें क्या होता है, जड़ वाले पौधे जाइलम से, जाइलम से पानी जाएगा, हाँ, और खनिजों का परिवहन किससे होगा, अनिवार्य रूप से एक दिशात्मक ही होगा, पानी और खनिज, यानी कि जो मिनरल है जड़ से जाएंगे, तो पानी और खनिज यानी कि जो वाटर और मिनरल्स हैं वो बेटा हमेशा यूनिडायरेक्शनल फ्लो करते हैं, लेकिन जो हमारा ऑर्गेनिक होता है ना, क्या जो हमारा जाता है वो किससे जाएगा, तने के माध्यम से, खनिज पोषक तत्व तो जिसको हम लोग फूड बोल रहे हो वो कहां से जाएगा, वो हमारा मल्टी डायरेक्शनल होगा, फ्लोएम के माध्यम से करेगा। ये हमारा प्लांट है, ये पानी ऊपर जा रहा है और ये कैसा होगा, यूनिडायरेक्शनल ही हमेशा होगा, यहां से हमारा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। लेकिन पानी की बात कर रहे हो, अगर हम लोग पानी की बात कर रहे हो तो कैसा हो जाएगा, पानी हमेशा यूनिडायरेक्शनल, देखो दोनों क्या है, ऊपर की ओर है, ये जाइलम है, हमेशा वन वे फ्लो कराएगा और जो फ्लोएम है बेटा वो नीचे और ऊपर दोनों की तरफ फ्लो करा देगा, ये तो हम समझ चुके हैं। लेकिन जब हम लोग जाइलम के ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो हम लोग बहुत अच्छे से एक चीज को जान लें, जल, जमीन और जाइलम, इसको लिख लेना बेटा कहीं ना कहीं, जल और जमीन है ना, और जाइलम, यानी जल को जमीन से ले जाने वाला जाइलम, और वहीं लिख देना बेटा फूड के लिए, फूड के लिए, फूड के लिए फ्लोएम, ठीक है ना। ये दोनों चीजें याद कर लिए, बिल्कुल कह रहे सर बहुत अच्छे से रट लिए, अब तो क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा और फट से क्या करेंगे हम सही कर देंगे। अब हम लोग शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पढ़ने जा रहे हैं। शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब छोटी दूरी का ट्रांसपोर्ट, छोटी दूरी का ट्रांसपोर्ट, जैसे तुमने देखा है ये छोटी दूरी हो गई, यहां से कोई इतनी दूर तक जाए छोटी दूरी हो गई, मतलब कि एक कोशिका जो है ये कोशिका और ये कोशिका अगर अपनी बगल वाली कोशिका को कुछ दे दे तो हमारी शॉर्ट डिस्टेंस, ये कोशिका अपनी ही कोशिका को कुछ इधर उधर दे दे तो हमारी क्या हो जाएगी, तो भी शॉर्ट डिस्टेंस, या फिर कोई कोशिका से कोई चीज, ये कोशिका है, ये कोई चीज आ रही है और यहां से कोई चीज एग्जिट कर रही है, दोनों तीनों बातें एक ही तो लिखी है, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसे होता है हम लोग उसको जानो। शॉर्ट डिस्टेंस में हमारा या तो वो हो रहा होगा डिफ्यूजन, क्या हो रहा होगा डिफ्यूजन, या तो हमारा क्या हो रहा होगा फाइसिलेटेड डिफ्यूजन, या तो हमारा क्या हो रहा होगा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ये तुम्हें एक वर्ड लिखा दिख रहा होगा बेटा इसमें, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग दिख रही ना, ये हमारी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। आप कहोगे सर हमने शॉर्ट डिस्टेंस में दो चीजें बताई थी आपको, कौन कौन सी, एक एक्टिव और एक पैसिव, ये बताई थी ना, एक एक्टिव और एक क्या थी पैसिव। एक्टिव में बेटा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग आती है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग आती है, जबकि पैसिव में हमारा डिफ्यूजन और जो फैसिलेटेड डिफ्यूजन था ये दोनों आते हैं, ये हम तुम्हें बताएंगे। सर कहोगे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होती है इसके बारे में कुछ बताइए ना, बताते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के बारे में, जब वो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो तुम्हें लिखा देखो दोनों तरीके से लिखा बेटा, पढ़ लेना तुम, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जैसे ही तुम देखोगे तुम कहोगे सर ये तो बहुत कुछ हार्ड है, कुछ भी हार्ड नहीं है,
साइटोप्लाज्म जानते हो क्या होता है? कह रहे जो कोशिका के अंदर भरा रहता है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और उसी में जो न्यूक्लियस के अंदर भरा रहता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, और दोनों को कंबाइंड रूप से बात करो बेटा तो उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तुम पढ़े होगे बहुत अच्छे से, है ना? हाँ, अब मेरी बात सुनो। साइटोप्लाज्म हो गया यानी भरा हुआ द्रव, कहाँ? कोशिका में। अच्छा एक बात बताओ, कोशिका के अंदर सारी चीजें तैर रही हैं, पानी भरा है, पानी के अंदर सारी चीजें तैर रही हैं, एक तरफ वैक्यूल है, एक तरफ माइटोकॉन्ड्रिया हाथ हिला रहा, एक तरफ ईआर पड़ा, एक तरफ राइबोसोम पड़ा, ये सब तो पढ़े हो, ये सब चीजें पड़ी तैर रही हैं। तैरने के बाद में वही क्लोरोप्लास्ट भी पड़ा तैर रहा है। हाँ सर, क्लोरोप्लास्ट भी तैर रहा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, ये भी हमें पता है। कह रहे हाँ सर, ये भी ठीक है। और क्लोरोफिल हमारी फोटोसिंथेसिस करती है। कह रहे ये भी सर हमको पता है। तो क्लोरोफिल क्या उसमें तैर रही है तो ऊपर नीचे हो सकती है? बेटा जब आर्गन जो अंदर बैठे हुए हैं कोशिका के अंदर, कौन? आर्गनल्स, छोटे छोटे कोशिकांग जिसे बोलते हो, वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। सर पोजीशन मतलब घर बदल लेंगे क्या? नहीं, कोशिका में ही रहेंगे, कोशिका के अंदर अपनी पोजीशन चेंज कर देते हैं। मान लो कभी सनलाइट सीधे आ रही है तो हमारे क्लोरोफिल एकदम पत्ती है, पत्ती पे ऊपर बैठे हैं यहाँ पे एकदम, ठीक है। अब मान लो सनलाइट शाम हो गई सनलाइट ऐसे आने लगी, ऐसे आएगी, ऐसे आ रही, तो हमारे जो है थोड़े से जो स्टोमेटा है, मतलब स्टोमेटा कह रहे जो हमारे वो क्या है, वो क्लोरोप्लास्ट है, वो हो सकता है पत्ती किनारे साइड में ज्यादा पहुंच जाए, हो सकता है ना। तो ये जो चल के जाएंगे उसको ही बोलते हैं बेटा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीम, और इसके लिए ऊर्जा खर्च होती है, ठीक है ना। अपनी पोजीशन को चेंज करना ही एक सेल के अंदर अपनी पोजीशन को चेंज करना ही साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहलाता है, स्टीम कर लिए इधर से उधर, ठीक है ना, इसको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं। ये हमारी कोशिका है, मान लो ये सामने डायरेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग ये है, देखो ये अपने आपको मूव कर लिया गया, ये वैक्यूल बीच में रखा, ये देख लो ये सामने क्लोरोप्लास्ट लगे, थोड़ा अपने आपको मूव कर लिया इधर उधर, चलते रहते हैं, ऊर्जा लगती है इसी में, ऊर्जा लगती है, ठीक है ना। ये क्लोरोप्लास्ट हो गई, कुछ नहीं बेटा, देख लो दिमाग लगा रहा है आखिर क्या, लेकिन हम तुम्हें समझा देंगे, बहुत अच्छे समझ गए होगे, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। अब हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस के बारे में बताए दिए थे, इसमें क्या क्या हो सकता है, एक जाइलम और एक फ्लोएम, जल जमीन जाइलम और फूड फॉर फ्लोएम, वो हमारा इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। लंबी दूरी के लिए एक और काम है बेटा, बल्क फ्लो या मास फ्लो चलता है। ये सर बल्क फ्लो या मास फ्लो क्या होता है? अरे भीड़ में चलना, भेड़ चाल जानते हो, मतलब जहां एक भेड़ अगर आगे वाली मुड़ ऐसे कर देती है तो सारी भेड़ें फिर उधर ही चलती हैं। देखे हो कभी, भेड़ के साथ बड़ा खराब है, मतलब एक तरफ अगर मुड़ कर दी ना जिधर तरफ सर अपना, उधर ही चल देगी, और फिर सारी भेड़ें मुड़ लचा के अपना सर ऐसा कर लेंगी और ऐसे चलती चली जाएंगी, है ना। तो बेटा बिल्कुल ऐसा ही है इसके साथ में भी, भेड़ चाल चलती मतलब एक साथ भीड़ में चलती, मतलब कि भैया पानी की जरूरत ऊपर बहुत ज्यादा है, अगर थोड़ा थोड़ा पहुंचा तब तो यार पत्ती कहेगी हमको लाओ पानी, पत्ती आके आ रहा नीचे आ रहे, बस आ रहे थोड़ी देर, बस 5 मिनट और, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो हमारी इसलिए इसमें क्या होता है, बल्क फ्लो होता है, एक साथ बहुत कस के चलता है, खाना हो या पानी हो, इसको ही हम लोग बल्क फ्लो हाइपोथेसिस कहते हैं। ये जिसने दी थी उसका नाम पता क्या था? डेरी मिल्क नहीं, उसका नाम था मंच, खाओ कभी चॉकलेट, मंच नाम था उनका, जिन्होंने एक थ्योरी दी थी मास फ्लो थ्योरी। क्या उनकी थ्योरी बेटा? मास फ्लो थ्योरी, इसको लिख लेना अपने कॉपी में, मास फ्लो थ्योरी। मास फ्लो थ्योरी देने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था मंच, क्या नाम था? मंच, डेरी मिल्क नहीं था बेटा, कौन थे? मंच थे, याद रखेंगे। चलो ये हमारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, इसके बारे में भी हम बता ही चुके तुम्हें, ठीक है, ये तो देख ही चुके हो ना, यूनिडायरेक्शनल बायडायरेक्शनल फ्लोएम जाइलम सब जानते ही हो कि नहीं जानते? नहीं जानते भैया जान लो, तो बहुत जरूरी है। अब हम लोग सिंपल डिफ्यूजन पे आ गए। कहोगे सर सिंपल डिफ्यूजन कुछ ऐसा ही था डिफ्यूजन होना? हाँ बिल्कुल, सरल विस्तार का मतलब है तुम्हारा इसमें क्या हो गया बेटा, आयन है या तुम्हारे मॉलिक्यूल है, ये क्या करेंगे? अपने आप को फैलाने का काम करेंगे। लेकिन सबसे जरूरी चीज जो तुम्हारी डिफ्यूजन में होती है, विसरण करने में होती है, वो पता क्या है? वो है हमारा कंसंट्रेशन। अब कहोगे सर कंसंट्रेशन क्या होती है? अगर हम तुम्हें कंसंट्रेशन समझा ले जाएं तो तुमको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये कैसे कैसे मूव करता है, ठीक है ना। इसका आखिर मूवमेंट कब तक होगा और क्यों हुआ, मतलब कि आपने स्प्रे की और बाहरी क्यों आई, ये हो सकता है इस हवा अंदर आ जाती, ना ना बेटा अंदर प्रेशर होता है इसलिए, ना ना बेटा गैस के अंदर गुड़ होता है, एक गैस के अंदर गुड़ होता है अपने आप को विस्तार करने का, यानी कि जिस आयतन वाले बर्तन में उसको रखोगे वो उसी हिसाब से क्या कर लेगी, अपने आप को ढाल लेगी, अपने आप को फैला लेगी, ये होता है क्या गैस का गुण। लेकिन ये जो डिफ्यूजन है ना, डिफ्यूजन का एक और मतलब होता है बेटा, डिफ्यूजन हमेशा चलता हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन,
डिफ्यूजन का मूवमेंट कैसा होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। कहोगे सर हाई कंसंट्रेशन क्या होती है, लो कंसंट्रेशन, कोई चीज ज्यादा गाढ़ी है उसको हाई मान लेते हो, कोई चीज कम गाढ़ी है मतलब कि थोड़ी तनु है यानी तरल है तो मान लेंगे क्या, क्या मान लेंगे उसे, तो उसे मान लेंगे हम लोग कम कंसंट्रेशन। चलो हम एक बात बढ़िया से तुम्हें समझाते हैं, ये आदमी घर में था, ये घर बहुत अच्छा लग रहा होगा तुम्हें, तुम्हारा ही है बेटा, जब तुम कुछ बन जाओगे तुम्हें ऐसा ही घर मिलेगा, ठीक है। इस घर में मान लो कोई आदमी यहां से लाए और कह दे हमने क्या कर दिया, हमने परफ्यूम डाला, अब ये परफ्यूम डाली इसने, जैसे बेटा परफ्यूम यहां डालेगी तुम इस वाले कुर्सी बैठे होगे, तुमको यहां महक लग जाएगी, बिल्कुल सर लगेगी, क्यों नहीं लग जाएगी, क्यों लग रही होगी, ये डिफ्यूजन हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, परफ्यूम ज्यादा कहां है, परफ्यूम ज्यादा बेटा है यहां पे, ठीक है ना, यानी कि कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा कहां पे है, कंसंट्रेशन थी ज्यादा कहां पे बेटा, हमारी बोतल के अंदर, यानी कि ज्यादा जो अणु पाए गए थे परफ्यूम के कहां थे, अंदर। और अगर हम लोग बात करो एटमॉस्फेयर में, यहां पे तुम्हें कोई भी अणु पाया गया था इससे पहले, पाया भी गया होगा तो बेटा यहाँ पे कम थे, कैसा था ये कम वाला था, और यहाँ क्या था ज्यादा, तो बेटा हमेशा डिफ्यूजन कब होता है, ज्यादा कंसंट्रेशन वाली जगह से कम कंसंट्रेशन वाली जगह पे, ज्यादा जहां अणु थे वहां से कम हो रहा है, क्या तुम्हें अब ये बात समझ में आ गई है। कह रहे सर अभी कंसंट्रेशन के बारे में और समझा दीजिए, बेटा कंसंट्रेशन होता है एक सोल्यूशन, ठीक है, जब आप सोल्यूशन की बात करोगे, सोल्यूशन किससे मिलके बनता होता है, दो चीजों से, एक ये जैसे रखा एक ये रखा, ये दोनों सोल्यूशन ही तो है। आप कहोगे सर सोल्यूशन अब कैसे जान ले सोल्यूशन है, आप एक चीज करो, आपने ये देखा एक ये चीज इधर से डाल ला, एक चीज इधर से डाल ला, तभी तो आप सोल्यूशन बनाए थे, यानी इसमें एक चीज क्या हो रही होगी, एक सोल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा, एक को घोल के जैसे आप शरबत जैसे ये आपने देखा, ठीक है, ये आपको बनाना था, ये हमारा सोल्यूट हो गया, क्या हो गया सोल्यूट, ठीक है, और ये बेटा क्या हो गया, ये हमारा हो गया सॉल्वेंट जिसमें हमको घोलना है, ये हमारी चीनी हो गई, ये हमारा नमक हो गया, वो पानी हो गया, और इसमें हमने घोल के क्या कर दिया, सोल्यूशन बना दिया बेटा, और सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन ही हमारा शरबत है, देखो ये हमको लाल लाल लड्डू दिख रहे थे सोल्यूट के थे, क्या थे सोल्यूट के, वही हमारा सॉल्वेंट मान लो ये पानी था, ठीक है, एक प्रॉपर मात्रा में मिला है और ये क्या हो गया बेटा, ये सोल्यूशन तैयार हो गया, और इसमें देख रहे हो ये जो अणु दिख रहे हैं ये काहे के अणु बेटा, ये हमारे हैं सॉल्वेंट के साथ में सोल्यूट के अणु, कौन से सोल्यूट के अणु, ये हमारा क्या हो गया सोल्यूट हो गया। कह रहे अभी नहीं सर समझ में आया, देखो ये हमारा सोल्यूशन है, सोल्यूशन में दोनों चीजें होती है, एक सोल्यूट होता है एक सॉल्वेंट होता है, सल्यूट होता है एक बिले होता है एक विलायक होता है, विलायक जो अपने अंदर ले ले पानी हो गया, और वहीं बिले जो उसके अंदर घुल गया यानी चीनी हो गया या फिर नमक हो गया उसको घोल के शरबत बना लिए, वो हमारा सल्यूशन हो गया, और ये सल्यूशन को हम लोग ही क्या बोलते हैं, इसको ही हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन के हिसाब से। कहोगे सर कंसंट्रेशन क्या, सल्यूट के पार्टिकल ज्यादा हो गए तो मोर कंसंट्रेटेड, जैसे आप इसे देख रहे हो यहाँ लिटिल बिट ऑफ साल्ट मिलाया, हाँ यहाँ लॉट ऑफ साल्ट मिलाया तो थोड़ा और ज्यादा हो गया, और साल्ट मिला दो बेटा अब ये हो गया, और साल्ट मिला दो ये हो जाए, और ये अरे यार पटियाला पैग नहीं देखे हो, पटियाला पैग नहीं देखे सर, दारू में पानी मिलाते हो सोल्यूशन बना लेते हो, एक तरफ दारू रखी, करे तो दारू बात ना करो मन चलने लगता, ये दारू रखी उसमें पानी मिला है, ठीक है कोल्ड ड्रिंक मिला लेते हैं, अब मान लो आप क्या करो 100 ग्राम में मिला दिए 1 लीटर पानी, फिर पिला रहे हो 100 ग्राम में 100 ग्राम पानी, 100 ग्राम में 50 ग्राम पानी, कह रहे फिर बाद में साला हमने पानी नहीं मिलाया, छींट मारी मात और ऐसे पी गए, तो वो नीट जो थी ना नीट उसको बोलते मोर कंसंट्रेटेड है ना, और जो हमारी जो नॉर्मल थी उसमें पानी बहुत ज्यादा था वो कैसी हो गई, डाइल्यूट हो गई, डाइल्यूट कम सांद्रता वाली, और जो कंसंट्रेटेड अधिक सांद्रता वाली, यानी कि का कम हो गया बेटा, सॉल्वेंट कम हो गया, पानी कम हो गया है ना, पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं, याद है, हाँ याद रखना बेटा, अब ये हमारा क्या हो गया मोर कंसंट्रेटेड, अब मान लो देखो ये हमारा था, ये हमारा नीट पैक है, पानी बहुत मिला है, पानी बहुत मिला, अब वो हमारा नीट पैक है, ठीक है पानी कम मिला है डाइल्यूट है, हाँ थोड़ा पानी इसमें पानी की मात्रा और कम कर दी, दारू ज्यादा इसमें दारू ज्यादा है, पानी और कम कर दिया, अब और कम कर दिया बेटा पानी, इस बार तो पानी क्या कर दिया खत्म कर दिया, अगर पानी खत्म ही कर दिया तो बेटा कितना देख रहे हो ना एकदम कंसंट्रेटेड, ठीक है समझ रहे होगे, कह रहे सर क्या समझाए दे रहे हो, तो बेटा एक चीज समझ में आ गई, डिफ्यूजन जो होता है वो कैसे होता है, डिफ्यूजन हमारा हमेशा एक बात याद रखना हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, जैसे ये हमारी हाई कंसंट्रेशन है, हाँ ये हमारी लो कंसंट्रेशन है, हाँ डिफ्यूजन कहाँ होगा, यहां से यहां होगा, यहां से यहां होगा, क्यों, क्योंकि यहां कंसंट्रेशन ज्यादा है, ज्यादा अणु दिख रहे हैं, यहां पे कम है, और सल्यूट के हिसाब से इसको देखते हैं, ठीक है ठीक है, इतनी बात हमने समझा दी। एक और बेटा बात बहुत अच्छी, कहोगे सर डिफ्यूजन कब तक होगा, आखिर ये कब तक चलता रहेगा, डिफ्यूजन चलेगा जब तक कि इक्विलिब्रियम ना आ जाए, इक्विलिब्रियम का मतलब साम्यावस्था बेटा, साम्यावस्था का मतलब हो गया जब तक कि बाहर के कंसंट्रेशन जितने अणु बाहर हैं और जितने अणु बोतल के अंदर हैं जब तक नहीं बराबर हो जाते तब तक आपके क्या गैस फैलती रहेगी,
जैसे आप क्या करो, परफ्यूम को बार बार डालते रहो, इतना कमरे में डाल दो कि बोतल के अंदर का कंसंट्रेशन और बाहर कमरे के जो अंदर परफ्यूम है उसका कंसंट्रेशन जब तक बराबर नहीं हो जाता, तब तक क्या आपसे बोतल से बराबर क्या डिफ्यूजन होता रहेगा, ठीक है ना। इतनी चीज समझ में तुम्हारे आ गई होगी। दिस इज अवर फाउंडेशन बैच। इसके बैच के बारे में हम आपको पहले जानकारी दे दें, जो बच्चे पूरी की पूरी फिजियोलॉजी, पूरी की पूरी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इस जैसे सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कवर करना चाहते हैं, तो बहुत जल्दी हमारा एक बैच आ रहा है। कौन सा, कौन नाम से बेटा? वो बैच हमारा रहने वाला है किस नाम से? मंथन के नाम से ही रहेगा। मंथन हमारी रोज 4 बजे होती है, वहां पे 4 बजे आ जाइए, वहां पे प्रैक्टिस कराते हैं। किसकी प्रैक्टिस सर? रोज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, आज ही अपना बेस मजबूत कर लो हमारे साथ जुड़ के। ये विश्वास मानो, आप क्रॉप फिजियोलॉजी में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, फिशरीज में, एपिकल्चर में, सेरिकल्चर में, लैक कल्चर में, इसके बाद में मेट्रोलॉजी में आपको महारत हासिल करा देंगे। कैसे कराएंगे, क्या कराएंगे, सब मेरे ऊपर है। आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से पॉजिटिविटी के साथ जोड़े रखिएगा, पढ़ाई को कंटिन्यूटी करते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इटमे कि हम कुछ इंजीनियरिंग का अच्छा सा पार्ट लेके आए, इंजीनियरिंग के बेसिक्स को अच्छे से समझाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कैसे करना है, आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जो बच्चों ने अभी तक नहीं किया है, और ऐप को डाउनलोड कर लेना। अगर आपको लगता है कि सर जो आपने पढ़ाया इसकी PDF चाहिए, यू कैन आस्क मी। कहाँ पे बेटा? ऐप को डाउनलोड करना, वहाँ पे कम्युनिटी का ऑप्शन आता है, और कम्युनिटी में सर्च करना एग्रीकल्चर बाय सुधांशु सर। जैसे सुधांशु को फॉलो कर लोगे तुरंत आपको PDF, इसके बाद आप जब चाहो हमसे बात भी कर सकते हो, कोई जरूरत है तुरंत तुरंत हम आपके लिए अवेलेबल है, तो आप वहां पे हमसे जुड़ सकते हैं। और हमारे बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं, जैसे कि आप बात करते हो 4 बजे, तो 4 बजे हम मंथन लेके आते हैं, वहीं 6 बजे उड़ान कौन? मैम लेके आती हैं, याद है? अच्छा, इसके बाद 8 बजे आगाज बैच। सारे के सारे बैचेस आपके लिए, ये अच्छी प्रैक्टिस के लिए बैचेस है। कोई बच्चा अच्छे एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है ना, अगर इन बैचेस में भी कंटिन्यूसली आता रहेगा तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। बाकी फाउंडेशन क्लास के साथ में हम बहुत सारी चीजें आपके लिए करने वाले हैं, यू डोंट वरी, आपको अच्छे से चीजों को कर लेना है, और हम चीजों को बहुत अच्छे से आपके साथ बढ़ाते रहेंगे। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी क्लास को कंटिन्यूटी देखते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, एंड हैव अ नाइस डे।